Good morning, student. Today we are going to see the give reason from exercise. First give reason, that is atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. अभी इस क्वेश्चन में टोटल दो पार्ट है. पहला पार्ट है एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये हम डिस्कस करेंगे. ये सेकंड पार्ट है और पहला पार्ट है एटॉमिक रेडियस. सो इसके लिए क्या किया, सो फर्स्ट एटॉमिक रेडियस का डेफिनेशन या तो फिर मीनिंग लिखना पड़ेगा तो इजी रहेगा, ध्यान में भी रहेगा. और दूसरा पॉइंट है कि फॉर पीरियड, पीरियड में क्या चेंजेस होता है वो यहाँ पे देखेंगे. सो फर्स्ट इज एटॉमिक रेडियस फॉर आइसोलेटेड एटम. एटॉमिक रेडियस इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड द आउटर मोस्ट शेल. एंड फॉर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीरियड एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस. सेकेंड पॉइंट, पॉजिटिव चार्ज ऑन दैट न्यूक्लियस इंक्रीजेस. थर्ड पॉइंट, इलेक्ट्रॉन्स गेट एडेड इन द सेम आउटर मोस्ट शेल. एंड फोर्थ पॉइंट, दिस इंक्रीजेस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड क्लोजर टू द न्यूक्लियस डिक्रीजिंग द साइज ऑफ एटम. देयरफॉर एटॉमिक रेडियस गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. सेकेंड गिव रीजन है मेटेलिक कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग वाइल गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड. अभी यहाँ पे भी सेम ऊपर वाला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, सिर्फ मेटेलिक कैरेक्टर, वहाँ पे एटॉमिक रेडियस था, यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर है. मेटेलिक कैरेक्टर का डेफिनेशन आएगा और फॉर पीरियड मेटेलिक कैरेक्टर कैसे चेंज होता जाता है वो यहाँ पे बताना है. सो मेटेलिक कैरेक्टर का डेफिनेशन आएगा, टेंडेंसी ऑफ एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम इज कॉल्ड मेटेलिक कैरेक्टर. एंड फॉर पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू द सेम आउटर मोस्ट शेल एंड द प्रोटॉन्स गेट एडेड इन द न्यूक्लियस. प्रोटॉन ऐड होते जाते हैं. नेक्स्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है. एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन. वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है. सो टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स इज डिक्रीजिंग. और जो मेटल की टेंडेंसी है वो कम होती जाती है. इसके लिए मेटेलिक कैरेक्टर का टेंडेंसी जो है, टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज होता जाता है. इस तरह से आपको वो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा. नेक्स्ट, एटॉमिक रेडियस गोज ऑन इंक्रीजिंग डाउन अ ग्रुप. अभी यहाँ पे भी एटॉमिक रेडियस जो है उसका डेफिनेशन आएगा, या तो फिर मीनिंग लिखो, डेफिनेशन ध्यान में नहीं रहा तो. और दूसरा है ग्रुप में क्या उसका ये होगा, व्हाट इज़ देयर ग्रेड, क्या रहेगा, मतलब कैसे चेंज होता रहेगा. तो इस तरह से ग्रुप में क्या चेंजेस होता है वो आप लिखोगे. नेक्स्ट, एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी. पहले इसके भी हम दो पार्ट करेंगे. पहला है वैलेंसी, तो वैलेंसी कैसे, वैलेंसी क्या है और कैसे वो सेम वैलेंसी है एलिमेंट्स की, वो यहाँ पे बाकी के पॉइंट में हम एक्सप्लेन करेंगे. सो वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय वैलेंस इलेक्ट्रॉन. एंड द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन ऑफ आउटर मोस्ट शेल इज सेम फॉर ऑल द एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप. नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप इज सेम. देयरफॉर एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप हैव सेम वैलेंसी. नेक्स्ट, थर्ड पीरियड कंटेन ओनली 8 एलिमेंट. Even though the electron capacity of third shell is 18, तो उसके भी मैंने चार पॉइंट तैयार किए हैं ताकि क्वेश्चन कितने भी मार्क को आए, तीन मार्क को आए तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट रहेगा. इसके लिए तीन मार्क का क्वेश्चन के हिसाब से ये पॉइंट तैयार किए हैं. देन वेन गैस फॉर्म ऑन हीटिंग लाइम स्टोन इज पास थ्रू द फ्रेशली प्रिपेयर्ड लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की. अभी यहाँ पे
दो डेफिनेशन होंगे, दो पॉइंट होंगे। पहला तो व्हेन लाइमस्टोन इज हीटेड, हीटिंग के बाद क्या होता है वो बताना पड़ेगा। तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, ये पहला पॉइंट आएगा। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे वो लाइम वाटर को मिल्की कर रहा है, वो उसके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है। तो ऐसे करके दो पॉइंट आएंगे, एक्स्ट्रा दो पॉइंट डाले हैं ताकि मार्क्स किधर भी ना कटे। तो ये इसके केमिकल रिएक्शन के पॉइंट है वो, तो आपके ध्यान में अगर रहेगा तो लिखो, नहीं रहेगा तो आप सीधा वहाँ पे लिख सकते हो। पॉइंट लिखना बहुत ज़रूरी है आपको, यहाँ पे अगर ये रिएक्शन ध्यान में नहीं रहा तो भी आप रिएक्शन के जगह पे आप यहाँ पे CaCO3 के जगह पे कैल्शियम कार्बोनेट लिख सकते हो, हीट लिख सकते हो, कैल्शियम ऑक्साइड होगा और कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है, ऐसे करके लिखा। ये आपको ध्यान में नहीं रहा तो भी चलेगा, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड तैयार हो रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड जब क्या रिएक्शन होता है लाइम वाटर के साथ तो वहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट तैयार होगा जो मिल्क उस पानी को मिल्की तैयार हो कर सकता है। इस तरह से आप उसका एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। नेक्स्ट, इट टुक टाइम फॉर पीसेस ऑफ शाबाद टाइल टू डिसअपियर इन HCl बट इट्स पाउडर डिसअपियर्स रैपिडली। अभी यहाँ पे जो पॉइंट है उसको ऐसे सीधे सीधे पॉइंट नहीं दिया, तो शाहबाद के पीसेस है और शाहबाद की पाउडर है, तो नेचर ऑफ पार्टिकल, साइज ऑफ पार्टिकल यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है। तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ द रिएक्टेंट। तो इस तरह से वो पॉइंट पूरे पूरे चार पॉइंट तैयार करके रखे हैं। नेक्स्ट, वाइल प्रिपेयरिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड फ्रॉम कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन द लेबोरेटरी, द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड स्लोली टू द वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। अभी यहाँ पे कॉन्स्टेंट स्टीरिंग क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको बताना है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड जब भी आप एक्सपेरिमेंट के टाइम पे इस्तेमाल करते हो तो उस वहाँ पे स्पेशल प्रिकॉशन लेना बहुत ज़रूरी होता है, तो उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो वहाँ पे भी मैंने ये पॉइंट तैयार करके रखे हैं। तो पहला पॉइंट किया है कि डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड विथ वाटर इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड एंड वाटर गेट्स इवेपरेटेड इज इंस्टेंटली। सो यहाँ पे इफ़ वाटर इज एडेड टू कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड द मिक्सचर मे स्प्लैश आउट कॉजिंग एन एक्सीडेंट। यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकता है, तो यहाँ पे टू प्रिवेंट एक्सीडेंट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज एडेड इन रिक्वायर्ड वाटर विथ कॉन्स्टेंट स्टीरिंग। स्टीरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ओनली स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट इज लिबरेटेड। तो यहाँ पे एक्सीडेंट ना हो इसके लिए कॉन्स्टेंट स्टीरिंग और स्मॉल क्वांटिटी डालना बहुत ज़रूरी है, ये यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है, इट इज़ रिकमेंडेड टू यूज़ एयर टाइट कंटेनर फॉर स्टोरिंग ऑयल फॉर लॉन्ग टाइम। अभी इस गिव रीजन में आपको क्या बताना इम्पोर्टेंट है ये देख लो, कि जो एडिबल ऑयल है उसका ऑक्सीडेशन होने वाला है जब वो ऑक्सीजन के साथ एक्सपोज होता है, तो उसके लिए एयर टाइट कंटेनर की ज़रूरत है, ये आपको बताना है। यहाँ पे किसी भी गिव रीजन में, वो गिव रीजन सीधा सीधा दिया है मतलब उसका सीधा सीधा मीनिंग होता है, तो वहाँ पे उसका हर एक वर्ड का मीनिंग जो आप अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपके मार्क किधर भी कट नहीं होंगे। नेक्स्ट, टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक सोलेनॉइड टाइप ऑफ कॉइल इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब। अभी यहाँ पे सोलेनॉइड क्यों इस्तेमाल करना है और टंगस्टन ही क्यों इस्तेमाल करना है, तो ये दो पॉइंट आपको यहाँ पे बोलना ज़रूरी है। नेक्स्ट, इन इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट प्रोड्यूसिंग हीट दैट इज़ आयन, इलेक्ट्रिक हीटर, बॉयलर, टोस्टर, ये सब इसमें अलॉय
क्यों इस्तेमाल करते हैं और प्योर मेटल क्यों नहीं इस्तेमाल करते, तो इसके बारे में यहाँ पे आपको अलॉय और प्योर मेटल के बारे में आप अगर पॉइंट लिखोगे तो भी चलेगा, आप डिफरेंस लिखोगे तो भी चलेगा। तो डिफरेंस भी चलेगा, तो पॉइंट में आपको वो बताना पड़ेगा कि हीटिंग डिवाइस वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अलॉय का रेजिस्टिविटी एज कम्पेयर टू मेटल ज़्यादा होता है, तो ये पॉइंट आएगा। तो अलॉय के पॉइंट में आप बोलोगे, एक साइड में आप अगर अलॉय लिखोगे और एक साइड पे प्योर मेटल लिखोगे, तो यहाँ पे आपको ये पॉइंट पॉइंट नंबर वन पॉइंट नंबर टू ऐसे करके आप बता सकते हो। तो यहाँ पे अलॉय में रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है और प्योर मेटल में रेजिस्टिविटी कम रहती है। तो अनलाइक मेटल दे कैन बी हीटेड टू हायर टेम्परेचर, अलॉय हायर टेम्परेचर तक हीट कर सकते, प्योर मेटल हायर टेम्परेचर पे हीट नहीं कर सकते, हेंस हीटिंग डिवाइस मेड अप ऑफ अलॉयज रादर देन प्योर मेटल। ऐसे करके आप पॉइंट भी बना सकते हो। नेक्स्ट, फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर एंड एल्यूमिनियम वायर इज यूज। अभी यहाँ पे कॉपर और एल्यूमिनियम वायर, ये दो वायर ही क्यों इस्तेमाल करना है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी ड्यू टू लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये आपका पहला पॉइंट आएगा। दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव थ्रू आउट द कंडक्टर ईजिली, सो कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और तो इस तरह से लोग जो फ्लो ऑफ करंट है वो भी उनका ज़्यादा होगा क्योंकि रेजिस्टिविटी कम है। इसके लिए कॉपर एंड एल्यूमिनियम जो है वो मेटल हम पावर ट्रांसमीटर में इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो है, इन प्रैक्टिस द यूनिट किलो वैट आवर इज यूज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी रादर देन द पावर। तो किलो वैट आवर क्या है और पावर क्या है और दोनों का कनेक्शन क्या है, तो उसके बारे में वो फॉर्मूला बताना है, यूनिट बताना है और उसका कन्वर्जन बताना है। तो इस तरह से कौन सा ज़्यादा है वो हम इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अगर किलो वैट आवर है वो 1 किलो वैट आवर जो है वो 3.6 × 10⁶ जूल्स इतना बड़ा है, तो वो हम इस्तेमाल करते ज़्यादा एनर्जी दिखाने के लिए, तो इसके लिए किलो वैट आवर हम इस्तेमाल कर सकते। इस तरह से आपको ये पॉइंट बनाकर लिखना है। नेक्स्ट है, सिंपल माइक्रोस्कोप इज यूज फॉर वॉच रिपेयर्स। तो वॉच रिपेयर जो है वो तो घड़ी बहुत छोटी रहती है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप पहले क्या है वो आपको बताना है यहाँ पे, फिर वॉच रिपेयर के जो दुकान रहता है वहाँ पे वो जो वॉच रिपेयरर है वो ये सिंपल माइक्रोस्कोप कैसे इस्तेमाल करता है, क्यों इस्तेमाल करता है, उसके बारे में आपको यहाँ पे डिटेल्स में बताना है। नेक्स्ट, वन कैन सेंस कलर्स ओनली इन ब्राइट लाइट। तो कलर सेंस करने के लिए जो हमारे आँखों में है, तो दो टाइप के सेल्स रहते हैं रेटिना के अंदर। एक तो रॉड सेल्स रहेंगे और एक कौन सेल्स रहेंगे, कॉनिकल सेल्स। तो रॉड सेल्स का फंक्शन क्या है और कॉनिकल सेल्स का फंक्शन क्या है, दोनों में से कलर कौन आइडेंटिफाई करता है वो बताना है, और ब्राइटनेस और डिमनेस कौन बताता है, और फिर उसके बाद आएगा कि ब्राइट लाइट में कलर क्यों हम सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस तरह से वो पॉइंट आएंगे। तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया, वन कैन सेंस ओनली कलर्स इन ब्राइट लाइट, ये डबल हो गया क्वेश्चन। नेक्स्ट है, वी कैनॉट क्लियरली सी एन ऑब्जेक्ट केप्ट एट अ डिस्टेंस लेस देन 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई। तो हम हमारी आंखों से सिर्फ 25 सेंटीमीटर से आगे का ही देख सकते हैं, तो उसके पहले 25 सेंटीमीटर से पहले क्यों नहीं देख सकते,
तो उसके लिए पहले डिफिनेशन आएगा पावर ऑफ एकोमोडेशन, उसके बाद जो 25 सेंटीमीटर का जो बाउंड्री है तो वो बाउंड्री क्यों है, कि हमारे आँखों में जो लेंस और रेटिना का डिस्टेंस कितना है, फिर उसके लिए हम 25 सेंटीमीटर से पहले नहीं देख सकते, वो आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है लेमन एंड टैमरिंड इज यूज फॉर क्लीनिंग कॉपर वेसल्स विच आर टर्न ग्रीनिश। तो कॉपर वेसल पहले ग्रीन क्यों हुए उसके बारे में आएगा, और फिर लेमन और टैमरिंड में ऐसा क्या है जो उनके लिए क्लीन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसे करके दो पार्ट में उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है जनरली द आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। पहले आप आयनिक कंपाउंड क्या है और हाई मेल्टिंग पॉइंट उनका क्यों है, तो वो अपने आप आ जाएगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड के अंदर जो बॉन्ड है वो टाइटली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है, तो उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा हीट लगेगी, ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इसके लिए मेल्टिंग पॉइंट उनका ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाएगा। इस तरह से आपको वो चार पॉइंट एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, सोडियम इज ऑलवेज केप्ट इन केरोसिन। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, उसका वैलेंसी कितना है, और वैलेंसी कम होती है इसके लिए जो हाईली रिएक्टिव रहता है, तो वो हवा में भी क्विकली ये होता है, रिएक्ट होता है, पानी में भी क्विकली वो उसका रिएक्शन होता है, लेकिन उसका जो रिएक्शन है वो केरोसिन में नहीं होता, क्योंकि केरोसिन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसके साथ रिएक्शन नहीं होता उसका, इसके लिए उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। नेक्स्ट है पाइन ऑयल इज़ यूज इन फ्रॉथ फ्लोटेशन। अभी यहाँ पे पाइन ऑयल क्या है, क्यों इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉथ फ्लोटेशन के बारे में आपको यहाँ पे जानकारी देनी है, और पाइन ऑयल के बारे में, और फिर दोनों का कनेक्शन आपको यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट, एनोड्स नीड टू बी रिप्लेस फ्रॉम टाइम टू टाइम ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना। अभी हमने लेसन नंबर 8 में ये देखा था कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एल्यूमिना में जो एल्यूमिना है Al2O3, तो उसमें ये दोनों का ब्रेकडाउन करने के टाइम पे जो ऑक्सीजन है उसके मॉलिक्यूल एनोड पे जाते हैं, तो एनोड जो है ग्राफाइट का होता है, तो ग्राफाइट का होने की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन का रिएक्शन होकर कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होता है, तो एनोड्स पतले पतले हो जाते हैं, तो इसके लिए उनको रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से उसके पॉइंट्स बना के, सिर्फ चार पॉइंट बना के आपको वहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जितने पॉइंट्स ज़्यादा बनाओगे, इजी बनाओगे, छोटे छोटे पॉइंट बनाओगे, उतने आपका दिखने में भी अच्छा रहेगा और पॉइंट भी आपके एकदम अप्रोप्रिएट हो जाएंगे।